ये जी सीजन की पहली दफा जो मैं पानी में जाने लगा। पहले हर सीजन में काफी ज्यादा मैं नहाता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मेरी आई लैशेज उतर गई हैं और आई लैशेज के साथ साथ मेरी लैशेज अपनी जाती लैशेज भी उतर चुकी हैं क्योंकि मैंने खुद उतारी है। मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी और मेरे से ना हैवी वो वेट बर्दाश्त नहीं रहा था, इसलिए मेरी आंखें जो है इस तरह की हो गई है, चुन्नी मुन्नी बन गई है। तो बाकी का व्लॉग जो है ना अहमद स्टार्ट करते हैं। अहमद आज आप व्लॉग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं, सोजो आए हैं, अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब घर से निकल गए हैं, आ गए हैं, पहुंच गए हैं, अब हमने अंदर जाना है। अंदर बस टिकट शिकट लेने लगे हैं जाके, अभी हम अंदर जा रहे हैं। बच्चे यार बहुत तंग कर रहा था, कह रहा था जी मैंने जाना है एक दो दिन से, तो हमने सोचा क्यों ना फिर इसे ले जाए, तो आज हम इसे लेके आए हैं। चलें फिर आगे आपका दिखाते हैं क्या सीन है। अहमद अंदर जाके जो है ना लदा हो जाएंगे, हम लदा हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने कोई मतलब वो लेनी हुई ना झूले झूले लेने हैं तो फिर तो हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अंदर जाके अहमद अलग हो जाएंगे, हम लोग अलहदा हो जाएंगे, तो मेरा अलहदा व्लॉग बनता रहेगा और अहमद अपना व्लॉग आज मैं कोशिश करूंगा पहली बार अलहदा बनाएंगे। यस, तो सो अभी जल्दी से फटाफट अंदर चलते हैं, चल के टिकट लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते सिखाते हैं। हम लोग आए हैं, बस दो तीन लोग ही आए हैं, ज्यादा आए नहीं है, तो बस जल्दी से चलते हैं अंदर और फिर आगे का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। बीना जो है हम लोग सोजो में आ चुके हैं और अंदर एंट्री कर चुके हैं। मैंने एक्चुअली दिखा नहीं सकी क्योंकि हम लोग सीधा अंदर आ गए। थोड़ी देर हिंसा पूल एंजॉय करिए। हिंसा, ओहो हर तरफ से पानी पड़ा है। हिंसा जी गाइस, आज मैं पहला व्लॉग जो है ना वो शुरू कर रहा हूँ, तो चले अभी देखें इधर कितना ज्यादा रश लगा हुआ है। हम आए इधर कोई 4:30 का टाइम है, तो देखिए कितना ज्यादा रश लगा हुआ पीछे। आगे चलते हैं, आपको मजीद दिखाते हैं क्या सीखते हैं हाल इधर। वैसे मैं पहले कभी नहीं आया, छोटे होते शायद मैं आया था एक दफ़ा, अभी मैं काफ़ी देर बाद आया, तो चलें देखते हैं अभी क्या सूरत हाल आ गया, जाके आपको दिखाते हैं थोड़ा। अच्छा जी इधर हम आए हैं, मैंने सोचा कोई चीज़ें हैं कुछ हमारे पास, लोकर एक ले लें, लोकर लेने आए हैं इधर, तो जूता छूता और चाबी वगैरह कुछ पैसे हैं, कुछ विदेश भी लेना हो इसलिए हम आए हैं कि चलो एक काउंटर जो है ना वो लेने लगे। अच्छा जी अभी हम कोई 10-15 मिनट बाद हमें ये दो लोकर नंबर मिल चुके हैं, हमने अपनी जो चीज़ें कुछ वो जमा करवा ली हैं, अब हम आगे जा रहे हैं मज़ीद, आगे जाके आपको दिखाते हैं क्या सोचते हैं आप। जी सीज़न की पहली दफ़ा जो मैं पानी में जाने लगा, पहले हर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मैं नहाता रहा हूँ, तो चलें अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा पानी कोई इतना ठंडा नहीं है, पानी गर्म ही है और इधर बच्चे नहा रहे हैं, आगे जाते हैं थोड़ा क्योंकि बच्चों वाला पानी भी फिर उस तरह का ही होता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं शायद कोई ठंडा पानी मिले। अच्छा जी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पानी बढ़ता जा रहा है, देखें पहले पानी कम था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पानी भर रहा है। तो आज वैसे उन्होंने कहा जी इतना रश नहीं है, नॉर्मल ही है वैसे रश, लेकिन पानी ठंडा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे गंदा सा पानी है, मज़ा कोई नहीं इतना कोई आ रहा। तो चलते हैं आगे, अभी इतना पानी हो चुका है। मजीद आपको दिखा रहे हैं, देखिए पानी बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एंड तक जाएंगे लेकिन मोबाइल नहीं पकड़ा जाएगा, तो किसी को पकड़ाते हैं बुलाते हैं कि एंड तक जाना जी। अभी इधर से पानी इतने दिनों हो चुका है, थोड़ा सा दिखाते हैं अंदर से भी आपको। ये पानी भी कोई ठंडा नहीं है। अच्छा गाइस आगे आपको पानी दिखाते हैं कितना ज्यादा पानी, इतना नहीं है मैं पहले गया हूँ कि बंदा फुल नीचे लाके एरिया लगा के बंदा डूब नहीं सकता, मेरे जितनी मेरी हाइट है 5'7" या 5'8" मेरी हाइट है। तो ये वैसे इधर एक रस्सी है जिसको सब ने पकड़ा हुआ है, इसके पास से गुजरना नीचे से मुश्किल है। अभी ये है कि दूसरे हाथ में पकड़ना मुश्किल है, तो अभी एक किसी बंदे को कहते हैं हमारे साथ थोड़ा आगे पानी दिखाएं हम आपको।
ये फुल पानी है, डूब नहीं सकता बंदा। ये देखो मेरी एड़ियां नीचे लगी हैं, मैं डूब नहीं रहा। ठीक है, वैसे मुझे स्विमिंग आती है, मुझे डूबने का डर भी नहीं है, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। तो ये इसका फुल पानी है। पानी इतना गर्म है, मजा नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऊपर से मुझे पसीना आ रहा है, इस तरह का गर्म पानी है। आपको नीचे का सीन दिखाते हैं, पानी इतना गंदा है कि कुछ नजर नहीं आएगा। तो चलते हैं नीचे। मुझे नहीं लगता कुछ नजर आया होगा, इतना गंदा पानी है। पानी बहुत गर्म है पहले की तरह, जो मैंने पहले बताया। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले, आगे जाके फ्राइड लेते हैं, आपको फ्राइड का व्यू दिखाते हैं। अच्छा, तो अब हम उधर से निकल आए हैं, अब हम लेंगे स्लाइड, वो देखते हैं कैसा होता है। पानी इनका कोई नहीं पा रहा था, गंदा सा पानी का। तो स्लाइड वो ऊपर है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसकी सीढ़ियाँ पहले चढ़नी है, वही चढ़ते थक जाना, पहले चलते हैं। अच्छा, तो अभी हम जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे एक और स्लाइड नज़र आई है, जो वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी, आ रही है नज़र यानी, ये देखें। हम जाके वो भी लेंगे, वो स्लाइड भी जाके भी चेक करेंगे कैसा हो गया है। तो पहले हम जो है ना सिंपल वाली वो हम ले रहे हैं, ये वाली, ये जो पीछे आप ऊपर से आएंगे, ऊपर से नीचे। तो अभी ये लेते हैं, बाद में आपको फिर थोड़ा सा वो वाली भी लेके दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। वैसे जो पानी में जाने लगते हैं मुझे ना नाक पकड़ना होता, तो राइट हैंड से ट्राई करेंगे। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कैसे। ले जी, स्लाइड लगे हैं शुरू करने में। अच्छा जी, वो थ्राई लेने के लिए हम आए हैं, तो इधर काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी है, लाइन पे पहले लगना पड़ेगा। तो ये देखिए पीछे कितनी ज़्यादा लाइन लगी है। चलते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। ये जो होता है ना, ये ऊपर लेके जाना पड़ता है, जिस पे आपने थ्राई लेनी है, तो इधर वेट करना पड़ता है, जब कोई आता है फिर वो देते हैं, तो बंदा ऊपर लेके जाता है। चलें चलते हैं, आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कैसा। मैं वैसे फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा हूँ, पहले कभी मैं वैसे भी छोटे होते ही आया स्लाइड थ्रू लिए, इस टाइम चीज़ें मुझे नहीं। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीट है। ले जी, किसी गद्दे के लिए तब से लाइन भी लगी थी, आपकी बारी आ गई 5 मिनट बाद, आ जाए चलते हो। अच्छा जी, हम जा रहे थे तो मैंने रास्ते में देखा जी, ये देखें लोग, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप थक चुके हैं और आप चाहते हैं, थके नहीं खेलना चाहते हैं, अगर आपका इधर आके मूड बन जाए जी क्रिकेट खेलने, आपके पास फैमिली है, लड़के आए हैं स्पेशली, तो आप इधर खेल भी सकते हैं। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, ये वाली स्लाइड लेने लगे हैं जी, इधर से लेट के। इधर आप मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते, तो किसी और को पकड़ाएंगे तो नीचे जाए और बनाए। तो चलते हैं फिर, आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कैसा होता है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के सांस चढ़ गया जी, तो आवाज भी नहीं निकली। तो मिलते हैं फिर नीचे जाके।
था जी ये एक स्लाइड है जो हमने अभी ली है। तो इसका ये है कि जब बंदा ऊपर को जाता है ना, लगता है पता नहीं किधर को जाने लगा, किधर जाके रुकनी है। तो मज़ा आया, वैसे थोड़ा सा डर भी लगा, तो पहली दफ़ा था, अगर आप लेंगे अब तो डर नहीं लगेगा। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, जब आप गिरने लगते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले पानी में, तब आप ना उल्ट जाते हैं। जब उल्टते हैं तो तब आपको ना कोई इंजरी हल्की फुल्की आ सकती है, कोई पौनी पे लग जाए, कोई चोट हल्की फुल्की, और कोई टांग पे। कुछ बंदे इधर हुए हैं जख्मी जो मैंने पहले जाते हुए देखे थे, तो अल्लाह का शुक्र है हम तो ईजिली आए हैं, मज़ा आया। अच्छा जी, इधर जो कुछ था हम ले चुके हैं, मतलब इधर एक मेन इनकी जो थी वो स्लाइड थी ये वाली, ये भी हमने ले लिया। एक इधर साइड पे जो था जो आपका अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, वो भी हम ले चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, कुछ और इधर क्या है देखते हैं। तो अभी जा रहे हैं, जैसे कि मुझे सामने जो है ना इधर एक झूले झूले नज़र आ रहे हैं, तो झूले लेने का तो अपना कोई इरादा नहीं, बाकी अगर कुछ और है तो वो देखते हैं जाके कि क्या कुछ है, तो दिखाते हैं आपको वो भी तो क्या हिसाब होता है। अच्छा जी, अभी एक स्लाइड जो है ना वो बाकी है, जो इसके पास ही थे, हम ऊपर एक लेके आए। उसमें ये सीन है, ये देखें जी, ये आ रहे हैं बंदे इधर से नीचे गिरते हैं, और इधर पानी जो है ना 12 फुट पानी है, मतलब कि इसके लिए आपको ना जैकेट जो है ना ज़रूरी पहननी है, उसके बगैर आप स्लाइड नहीं ले सकते। तो मैं तो पहली दफ़ा ही लेने लगा हूँ, ट्राई करते हैं जाके क्या हिसाब होता है, देखते हैं जाके, चले फिर मिलते हैं। मिल गई है ये जैकेट, पहन के हमें ऊपर जाना, उधर ऊपर से नीचे आएंगे। चलिए जी, इसको पहनते हैं और चलते हैं ऊपर। इस टाइम एनर्जी फुल हो चुकी है, भूख लगी हुई है, तो अभी ये लेते हैं फिर चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। जैसा कि हम ऊपर आ चुके हैं, तो ये देखें जी सूरत हाल, ऊपर से ये सूरत हाल है। इधर से नीचे जाकर जंप लगेगा, अब सीधा बंदा अंदर। तो अभी मैं इधर से स्लाइड लूँगा, किसी को कहते हैं कि नीचे से वीडियो बनाए, तो चलें फिर दिखाते हैं आपको क्या समझा। वाली जो पीछे वाली स्लाइड थी ये भी ले ली हमने, वो ऊपर वाली भी ले ली है, तकरीबन जो थी मेन वो हमने ले ली है। तो बाकी मुझे नहीं पता, इस टाइम तो मैं थक चुका हूँ, तो मेरा इरादा कुछ खा भी लिया जाए, बोला भी सही नहीं जा रहा। पानी में वैसे ही बंदा नहाए ना, थोड़ी आवाज़ वैसे ही बैठ जाती है। तो अभी जो है तकरीबन जितना हमसे एक्सप्लोर हुआ हमने कर लिया, बाकी झूले झूले तो वैसे ही नहीं लेने, वो मेरा कोई इरादा नहीं। थोड़ा सा इरादा मेरा कोई ठंडा पानी मिल जाए उधर नहाएँ और फिर हम निकलने की तरफ जाएँ। अच्छा जी, इधर एक ही इनका मेन ही यही पूल है मेरे ख्याल में, ये वाला आप देख सकते हैं। इसमें बच्चे भी नहा रहे हैं, बड़े भी नहा रहे हैं, हर बंदा इसमें जो है नहा रहा है। तो पानी बहुत गर्म है, वैसे ही अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा, तो इन्हें करना चाहिए था कि एक पूल होता जिसमें ज़्यादा पानी होता, जो अडल्ट के लिए होता कि भाई आप नहा सकते हैं, पानी ठंडा भी होना था। उधर इधर बच्चे जाते हैं या कोई और छोटे बच्चे, आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है पानी में, तो इसलिए मेरा तो दिल नहीं कर रहा अभी इधर जाने का। स्लाइड वगैरह तो हम जो भी था वो चीज़ें ले चुके हैं, जो हमें मेन चीज़ें नज़र आई, और झूले वगैरह नहीं लिए। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। पानी जो ना ठंडा मुझे वो इधर वाशरूम में जो शावर है ना वो मिला, उधर पानी ठंडा था, बाकी बाहर जो है ना सारा पानी जो है ना गर्म है। अच्छा जी, एक बंदे ने बताया जी, जो जब हम अंदर आते हैं ना उधर जो स्टार्टिंग में ना वो पानी ठंडा, तो हमने सोचा देख लिया जाए। ये पानी जो है ना, पानी थोड़ा ठंडा ज़रूर है, वो मेरे ख्याल से ये छांव ऊपर होने की वजह से ना ठंडा है, तो पानी की गहराई चले कम है। तो इधर भी बच्चे ही नहा रहे हैं, तो चले नहाना तो है, बाएँ जाते हुए शावर लेकर आराम से जाएंगे साफ सुथरे होकर, तो इससे बेहतर यही है कि वो ज़रा ज़्यादा पानी उधर चलते हैं। तो अच्छा जी, तो अभी जाना हम लोग नहा के बाहर आ गए हैं, बहुत रश था, बहुत गंदा पानी था, बहुत बैड एक्सपीरियंस गया इस दफ़ा। अभी हम काफ़ी देर से बाहर वेट कर रहे हैं, मैंने 2-3 दफ़ा अहमद के लिए एलान चलान भी करवा दी है, अब मेहरबानी है अहमद साहब जल्दी से हाजिर हो जाए, उसके बाद कुछ खाते पीते और अगर हमने कोई झूले छूले लेने हुए तो वो लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ को चलते हैं। मेरे ख्याल से अहमद ने व्लॉग किया होगा, कम्प्लीट किया होगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाई। खाने को कुछ भी नहीं, और मक्खियों के साथ जो है ना हम लोग खाना खा रहे हैं, और वो बैठे हुए हैं अहमद साहब। अहमद बताएं थोड़ा। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है ये, इतने वो तो एक्सपेंसिव होती भी है जिधर भी, लेकिन टेस्ट भी कोई नहीं है।
जो आते हैं मजबूरी है खाते हैं, मजबूरी में खा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, खाना शाना खाया इधर बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो अगर कोई आता है तो कोशिश करे कि इधर से खाना ना ही खाए। हर चीज़ महंगी तो होनी थी, वो तो जिधर भी जाए महंगी महंगा तो होता ही है। तो अभी हम खा के फ्री हो चुके हैं, अब वापसी की तरफ वापस जाने लगे हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया होगा, ना भी आया होगा तो क्या कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा ना भी लगे। क्या पहले कौन से इतने कोई लाइक आ रहे हैं, तो शेयर कमेंट लाइक और क्या होता है सब्सक्राइब, ये सब कर दीजिएगा, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। तो उम्मीद है कि कुछ बनाया करूँगा लोग अपनी बेगम के कहने पे दोबारा से, पहले नहीं बनाया वैसे, ये जो आज बनाया इसके बाद दोबारा। और ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे, पता नहीं मेरा कब शुरू कब बनाऊँ मैं। ओके जी, टाटा।